सादरा जिले के ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक मकान में आग लगने से ही एक परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से दो महिलाएं भी शामिल है। दमकल विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह 4:07 पर ओल्ड सीमापुरी के एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की चार गाड़ियां आग पर काबू पाई। इस हादसे में मकान के तीसरी मंजिल पर दो पुरुष और दो महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है। मृतक की पहचान 59 वर्षीय हीरा लाल, पत्नी रीना, बेटा आसू 24 और बेटी रोहिणी 18 के तौर पर हुई है। हीरा लाल शास्त्री भवन में उनके तौर पर कार्यरत थे। मार्च 2022 में रिटायर होने वाले थे और चक्की पत्नी रीना नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें हम आपको ओल्ड सीमापुरी की दिखा रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है।